क्या आपने कभी सोचा है जो कंपनी 3,000-4,000 करोड़ के लॉस में जा रही है वो कैसे इतना सारा सेल में डिस्काउंट दे देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट और अमेजोन का, जो कि अभी आप देख रहे होंगे 8 से 15 अक्टूबर तक जो सेल चल रही है, बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, इसमें जो है इतना सारा डिस्काउंट 50%, 60%, 70% अमेजोन हो या फिर फ्लिपकार्ट हो डिस्काउंट कैसे दे दे रहा, और क्या यह सच में डिस्काउंट दे रहा है या फिर यह सिर्फ 50-60-70% का होर्डिंग लगा के कस्टमर को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सब कुछ मैं आज क्लियर करने वाला हूं और आज मैं एक्सपोज करने वाला हूं, बेसिकली यह सेल जो चल रहा है इसमें कस्टमर को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष कुमार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल क्रिएटर माइंड पे। जो कंपनी 3,000-4,000 करोड़ के लॉस में जा रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, वह इतना ज्यादा कस्टमर को डिस्काउंट कैसे दे रही है? आईफोन पे डिस्काउंट, इस पे डिस्काउंट, उस पे डिस्काउंट, कपड़े पे डिस्काउंट कैसे दे रही है? अगर मैं 2021-22 का बात करूं तो करीब 4,700 कुछ करोड़ रुपए जो है यह ई कॉमर्स की जो कंपनियां हैं उस पे लॉस था। बेसिकली 2022 और 23 में इन्होंने थोड़ा सा 23% कवर किया है, जो कि 3,000 कुछ करोड़ रुपया जो है अभी भी ये लॉस में चल रहे हैं। और ये साल में 2-3 बार जो है ऐसे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, बहुत सारे नाम नाम के सेल जो है वो लाते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आपने कभी ये दिमाग में लाया है क्या ये सच में ये ऑफर दे रहे हैं? हाँ, आपने कभी नहीं सोचा होगा। आप जो हैं अपने लोकल मार्केट को छोड़ के आजकल हर एक कस्टमर जो हो गया, मैं खुद को भी इंक्लूड करता हूं, ई कॉमर्स साइट पे फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे जाकर शॉपिंग करते हैं डिस्काउंट के चक्कर में। लेकिन भैया हमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, वो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर मैं एक मोबाइल की बात करूं, सेल के पहले उस मोबाइल का जो दाम था 29,999 रुपए था और उसका जो ओरिजिनल एमआरपी था 34,999 रुपए था, और सेल में वो लोग क्या करते हैं, वही मोबाइल का दाम 10,000 रुपये बढ़ा के और 20%, 30% डिस्काउंट करके बेचते हैं। मतलब जो नॉर्मल डे में जो प्राइस था वही प्राइस है, लेकिन सेल में जो क्या करते हैं वो कि अगर 34,000 का फोन अगर है तो उसमें वहां पे 44,000 डाल देंगे कि 44,000 इसका प्राइस है और इसमें आपको 20% देके वो 29,999 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे आपको ऑफर मिल रहा है? इनका सीधा सीधा एक ही फंडा होता है कि सेल में जो है हर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दो और उस प्राइस बढ़ा के उसमें डिस्काउंट डाल दो तो कस्टमर लोग बेवकूफ बन जाएंगे कि हाँ भैया 60%, 70% का ऑफ मिल रहा है। आप कभी देखना जो सेल अभी चल रहा है, उस सेल के बाद जाके वही प्रोडक्ट का दाम आप देखना, वही प्रोडक्ट वही सेम प्राइस में आपको मिलने वाला है, ना कि आपको ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलने वाला है, 10-15 रुपए डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में हम लोग इसी सेल के चक्कर में हम लोग अपने गांव के, अपने शहर के लोकल मार्केट को जो है खराब कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग शॉपिंग करने नहीं जाते हैं। हमारे भरोसे जो हमारे जो लोकल मार्केट वाले जो भी दुकानदार हैं वो सोचते हैं कि दिवाली आएगा, दिवाली में कस्टमर आएंगे, कस्टमर शॉपिंग करेंगे, हमारा भी दिवाली अच्छा मनेगा। लेकिन नहीं भैया, हम तो जाएंगे ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, ऑनलाइन में बेवकूफ बनेंगे, ऑनलाइन के चक्कर में हम लोग फंसे रहेंगे। अब मान लीजिए अमेजोन के पास कोई लैपटॉप है, ठीक है, 10-15 पीस लैपटॉप है, उस लैपटॉप में कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी है, कहीं स्क्रैच लगा हुआ है, कहीं डेंट है या फिर कहीं बैक पैनल थोड़ा सा उखड़ा हुआ है, वो सारे उस ऑफर में इंक्लूड करके कस्टमर को बेच देते हैं। अब वहां पे तो दिखाएंगे काफी अच्छी अच्छी इमेजेस की, प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके बाद कस्टमर उसी ऑफर में आके उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। और जब कस्टमर के पास डिलीवरी होता है तो यहां पे एक राजेश नाम के कस्टमर थे, आप देख सकते हो इनको जो है डिफेक्टिव लैपटॉप दिया गया, 10 अक्टूबर को यह डिलीवर हुआ था। अब यह कस्टमर अमेज़न को कॉल करेगा, फिर कंप्लेन करेगा, फिर रिटर्न पॉलिसी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी के झंझट में यह फंसा रह जाएगा और यह अपना टाइम भी बर्बाद करेगा, और अंत में फिर से उसको वही प्राइस में लैपटॉप मिलेगा या फिर दूसरा मिलेगा। लेकिन परेशानी तो होगी ना, परेशानी होगी, कभी कभी रिफंड भी नहीं होता है, कभी कभी रिप्लेसमेंट भी नहीं होता है। कहते हैं वो लोग कि हमारे तरफ से भैया सब चीज सही गया है। मैं अपने बारे में बता दूं, ठीक है, यह वीवो का X90 फोन है, वीवो का X90 फोन है, इसका अभी भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे आप प्राइस जाके देखोगे 59,999 रुपए, ठीक है। लेकिन इसको मैंने आदित्य विजन लोकल दुकान से मैंने इसको 57,000 रुपए में लिया है भाई, 57,000, 3,000 का डिस्काउंट, ठीक है। आप
यकीन करोगे? आप चाहे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट इसका जाके प्राइस चेक कर लो, 59,999 से कम में नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने लोकल मार्केट से यह सिर्फ 57,000 में लिया, तो ये मुझे कैसे मिल गया? आप लोग कैसे सोच लेते हो कि लोकल मार्केट में आपको ऑनलाइन से सस्ता नहीं मिलेगा? आप एक बार लोकल मार्केट में जाकर देखो, वो लोग जो है जितना आप ऑनलाइन में परचेस करोगे ना, उसे 100, 200, 300 रुपए आपको सस्ता ही देंगे, ठीक है? और ये सब जो सेल के झांसे में जो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े एक्टर से, अमिताभ बच्चन जी से, आलिया भट्ट से प्रचार करवा करवा के दिखा देगी 80% off, 90% off, मुझे तो आज तक अभी 80%, 90% off कपड़े में नहीं मिला जो ये लोग होर्डिंग लगाते हैं, अप टू। अब ऐसे में कस्टमर फंस जाते हैं, यहाँ पे 50% off दिखा देते हैं, 60% दिखा देते हैं, जबकि उसका प्राइस पहले से ऑलरेडी वो बढ़ा के रखते हैं और उसमें वो डिस्काउंट देते हैं। मतलब कि वो मार्जिन और मतलब कि चित भी उनकी, पट भी उनकी। इसी तरह से लोग जो है फ्रॉड करते हैं इस तरीके के सेल में। तो बेसिकली मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने लोकल दुकानदार को भी ये मौका दो ताकि उनका भी घर परिवार चल सके, उनके घर में भी दिवाली दशहरा ये सब मन सके। और आप एक बार ट्राई करो मेरे दोस्त, ठीक है, आप एक बार ट्राई करो लोकल दुकान में जाके क्या वो लोग आपको सस्ते में दे रहे हैं ऑनलाइन से या नहीं, एक बार आप ट्राई करके देखो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।